दोस्तों जब आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है तो आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए यूट्यूब के पास भेजते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है कि बहुत सारे चैनल को जो है मोनेटाइजेशन को यूट्यूब रिजेक्ट कर दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे चैनल को जो है यूट्यूब क्या कर रहे हैं, मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट कर रहा है। और दोस्तों बहुत सारे लोग मेरे पास भी कमेंट कर रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहा है कि भाई मेरे चैनल को एक बार चेक कर लीजिए, मेरे चैनल में कमी क्या है, मेरे चैनल को एक बार सर्च से चेक करा दीजिए, यानी टेक चैंपियन सपोर्ट से, आखिर मेरे चैनल में कमी क्या है, मेरे चैनल को जो यूट्यूब मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बना देना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे क्रिएटर के वीडियो में देख रहा हूँ कि ये गलतियाँ देखने को मिल रही है। और यकीन मानिए अगर आप लोग भी एक यूट्यूबर हैं और आप भी अपने वीडियो में ये गलतियाँ किए हैं ना, तो आपका चैनल मोनेटाइज यूट्यूब कभी नहीं करेगा, आपके चैनल को बर्बाद कर देगा। क्योंकि दोस्तों जब आप अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं, लेकिन वहाँ पर जब आपका चैनल मोनेटाइज रिजेक्ट कर देता है यूट्यूब ना, तो बहुत बुरा लगता है दिल से। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बना देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलतियाँ किए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आखिर ये कौन सी गलती है और आपको भी कभी भूल कर ये गलतियाँ नहीं करनी है। तो चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ, वीडियो कंप्लीट देखना, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों जब कोई बंदा यूट्यूब पर नया नया वीडियो बनाना स्टार्ट करता है तो उसको यूट्यूब के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है, और वो बंदा क्या करता है कि यूट्यूब पर जो भी वीडियो ट्रेंडिंग में चलती है ना, उस वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपने किसी वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया और उस वीडियो पर लाखों में व्यू आ रहे हैं पहले से, तो आपके वीडियो पर भी कम से कम तो 1000 या फिर लाखों में व्यूज आ ही जाएगा। और दोस्तों जब आपके वीडियो पर लाखों में व्यूज आ जाता है तो आप क्या करते हो, अपने यूट्यूब चैनल को सोचते हो कि मैं भी चले मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरे वीडियो पर व्यूज आने लगा। और बहुत सारे लोग यही गलतियाँ करें कि दूसरे के वीडियो अपने चैनल पर डाल देते हैं और उनके वीडियो पर लाखों में व्यूज आ जाता है और उसी चैनल पर फिर से अपना वीडियो डालना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपने उसी चैनल पर अपना वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया और आपने अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट कर लिया। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर होता क्या है कि जब आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं तो यूट्यूब आपका क्या करता है कि यूट्यूब आपके चैनल पर जो भी मतलब मोस्ट पॉपुलर वीडियो रहता है ना, उसी को चेक करता है। तो जब देखिए वहाँ पर हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोगों को मतलब कि उनके वीडियो पर मोस्ट पॉपुलर वीडियो वही मतलब मिल रहा है जो उनका खुद का ही वीडियो नहीं है, यानी कि जो वीडियो यूट्यूब से डाउनलोड करके ही अपने चैनल पर डाल दिया था और वही मोस्ट पॉपुलर में वीडियो है। और दोस्तों यही एक गलती है ना कि इनके वजह से, इसी की वजह से इनका जो चैनल यूट्यूब जो है क्या कर रहा है, मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट कर दे रहा है। दोस्तों यकीन मानिए अगर आप लोग भी एक नए क्रिएटर हैं और आपने अपने चैनल पर ये गलतियाँ कर रखा है ना, तो आपको इस गलतियाँ को सुधारना है। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको उस वीडियो को डिलीट कर देना है। और मैंने बहुत सारे लोगों से बोला भी कि भाई आप अपने चैनल पर उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, लेकिन दोस्तों उन भाई लोगों का कहना है कि भाई अगर मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया तो मेरे चैनल पर जो वॉच टाइम कम हो जाएगा, व्यूज कम हो जाएगा। तो भाई देखिए अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, अगर आपने अपने चैनल पर ये गलतियाँ कर रखा है ना, तो आपको उस वीडियो को डिलीट करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने चैनल से उस वीडियो को डिलीट नहीं करते हैं तो आपका चैनल कभी भी मतलब कि मोनेटाइज नहीं होगा, व्यूज कंटेंट दे देकर यूट्यूब जो है आपके चैनल को रिजेक्ट कर देगा और कभी भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, उस वीडियो को डिलीट कर देना है और उसके बाद आपने खुद की वीडियो बना करके ना 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करिए और मतलब कि व्यूज को बढ़ाइए, तो ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा। अदरवाइज आपने कभी भी ये गलतियाँ कर दिया तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और बहुत सारे क्रिएटर अभी स्टार्टिंग में ये गलतियाँ कर देते हैं क्योंकि उनको यूट्यूब के बारे में पता नहीं रहता है और स्टार्टिंग में ये बंदा गलतियाँ कर देता है। तो आपको कभी भूल कभी गलतियाँ नहीं करनी है, जितना ज्यादा हो सके अपने खुद का ही कंटेंट बनाइए और खुद के वीडियो से सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज करिए ना, तो आपके आगे चलकर बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बताएं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करके जाना दोस्तों, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूं इसी तरह किसी कमाल के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।